हमने आज तक ये किया, और जब ये किया तो हम ये मानकर चले कि नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर का मतलब हुआ कि जैसा हम सोच रहे थे ऐसा ही हो रहा था। हम सोच रहे थे कि 2 मोल डाले तो 2 ही थे, 5 मोल डाले तो 5 ही थे। का मतलब हुआ हम सिर्फ प्योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ध्यान दे रहे थे जो मोल पर डिपेंड कर रही थी। आपने कौन डाला, क्या वो सल्यूशन मर जाके कुछ और तो नहीं कर रहा है, हम उस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हम सिर्फ ये ध्यान दे रहे थे कि मोल कितने हैं, नेचर पर कोई ध्यान नहीं था। इसलिए यहां तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, यूरिया, या मोटे शब्दों में कहूं तो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए थे। पर आज हम चाह रहे हैं कि इन फॉर्मूलों को इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबके लिए अप्लाई किया जाए। जब सबके लिए अप्लाई किया जाएगा तो नेचर भी आड़े आएगा। इसका मतलब हुआ नेचर आड़े आएगा तो देखना पड़ेगा कि आपने 2 मोल डाले सॉल्यूशन में जाके कहीं 1.5 ही तो नहीं हो गए, आपने 2 मोल डाले सॉल्यूशन में जाके कहीं 4 तो नहीं हो गए। का मतलब हुआ नेचर का मतलब है वो बिहेवियर जो ऑब्जर्वेशन में आएगा, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल का मतलब हुआ कि जो आपने डाला, ऑब्जर्वेशन मींस जो हुआ। अब हुआ तो आप नहीं देख सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटल बात है, उसके लिए आपको डाटा की जरूरत होगी। जो नॉर्मल है आप तो सिर्फ ये बोल सकते हो कि सर मैंने 1 मोल NaCl का डाला। अब सॉल्यूशन में जाकर उस 1 मोल का क्या हुआ पता नहीं। दैट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो ना के ऐसा सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हुआ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब मोल को हुआ कि मैंने 2 मोल डाले तो सॉल्यूशन में जाके कुछ और ही हो गए। इसका मतलब मोल भी बदल गए। इसका मतलब ये तो कुछ अनयूजुअल लग रहा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख रहे थे। हमने कहा कि अगर एक काम को 5 आदमी 10 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे नहीं बोल सकते, अगर ये ना कहा जाए कि वो भी उतना ही काम करने वाले हैं। का मतलब हुआ हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ले रहे थे, पर अब क्वालिटेटिव भी लेना पड़ेगा, नेचर की बात भी करनी पड़ेगी। इसलिए अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो सारा कुछ दैट वॉज नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर मीन्स वो ऐसे सल्यूशन के लिए था जिनके जिनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल थी, जो डाला था ऑब्जर्वेशन से भी वही आ रहा था। का मतलब आज तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड मीन्स जो आया, और नॉर्मल मीन्स जो डाला, दोनों सेम था। इसलिए आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए वेंटहॉफ ने क्या कहा कि अगर कहीं ऐसी जगह जहां पर जो आप कर रहे हो उससे अलग रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब उनका नेचर आड़े आ रहा है। नेचर आड़े आ रहा है का मतलब अगर वो 5 आदमी कुछ काम इतने दिन में करते थे, 10 आदमी उस काम को आधे दिनों में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक का नेचर पबजी खेलने का है, मोबाइल का नेचर। अब क्या हुआ, जो काम होना चाहिए था आधे दिनों में वो नहीं हुआ, या तो उसे जल्दी हो गया या उससे लेट हुआ, पर वहां नहीं हुआ। इसका मतलब देयर इज एबनॉर्मल बिहेवियर ईदर इन पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस। या तो मोल सॉल्यूशन में जाकर बढ़े हैं या मोल सॉल्यूशन में जाकर घटे हैं। का मतलब या तो उन लोगों ने पहले वालों की कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है या पहले वालों की कैपेसिटी से कम काम किया है। इसलिए अगर पहले हमारा आंसर 10 दिन आना चाहिए था इज नॉर्मल, जो आना चाहिए था, ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि उन लोगों ने तो वो काम 5 ही दिन में कर दिया।
उन लोगों ने तो वो काम 15 दिन में किया जो 10 में करना चाहिए था। इसका मतलब नेचर आड़े आ रहा है, और नेचर का मतलब हुआ इलेक्ट्रो लाइट्स की बात अब शुरू होगी। अभी तक कौन था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया या कोई भी ऐसा जो सॉल्यूशन में वैसा ही रहे जैसा आपके हाथ में था। तो आज तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल दोनों सेम थी, इसलिए दोनों का रेशियो आज तक सेम आ रहा था। का मतलब आपने यहाँ तक जिसने भी न्यूमेरिकल्स किए होंगे, अगर उसके डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.52 आ रही थी तो पीछे आंसर भी 0.52 ही था, उसमें कोई फर्क नहीं था। आज के बाद वो 0.52 किसी फैक्टर से चेंज हो जाएगा। फैक्टर से का मतलब वो फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होगा जो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए चाहे नॉर्मल बिहेवियर हो चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर हो, अब हम फॉर्मूले पिछले सारे मॉडिफाई करने वाले हैं कि आज के बाद ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। आज तक ये फॉर्मूले इसलिए काम कर रहे थे कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज थी कौन आई, वो आज तक 1 था, क्योंकि जो हम नॉर्मली सोच रहे थे वही हो रहा था। इसका मतलब उन सारे फॉर्मूलों के साथ आई आज ही नहीं पहले भी था, पर पहले उसकी वैल्यू 1 थी। का मतलब हुआ नॉर्मल बिहेवियर का मतलब हुआ कि जिसके वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 हो, और 1 कब होगी? जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होगी। आज जब इस आई की वैल्यू 1 थी तो ये कुछ ऐसा था, क्योंकि 1 थी, आपने किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया वही आंसर आना था। आज जब हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं तो ये आई कुछ हिला हुआ है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर ये बढ़ और घट रहा है, के बी इंटू एम की वैल्यू तो वही है, पर किसी आई फैक्टर से वो आंसर आपका और ओरिजिनल आंसर वेरी करेगा। उस एरर को खत्म करने के लिए इस आई की जरूरत है कि आज के बाद जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबके इकट्ठे होंगे। अगर वो सबके इकट्ठे होंगे तब ये आई हमें बताएगा कि हमारा आंसर कितना डेविएट कर रहा था। इसलिए आज हमें इस आई की जरूरत पड़ी, आज तक नहीं पड़ी, क्योंकि आपने क्या किया, ग्लूकोज का 180 ग्राम डाला तो वो 180 ग्राम ही था, ना वो कम हुआ ना ज्यादा हुआ। मतलब जितना 180 का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल मोलर मास कितना था, 180। ऑब्जर्वेशन से कितना आया, 180। सो 180 बाय 180 आईएस, तो आज तक ऐसा था। हम यहां दो बातें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस मोल अफेक्ट हुआ तो मोलर मास भी अफेक्ट हुआ। इसलिए दो बातें पढ़ेंगे, एक बात होगी इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी बात होगी इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, और वो दोनों बातें एक दूसरे के ओपोजिट होंगी। ओपोजिट होंगी मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है अगर मोल ज्यादा है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन मोल, और अगर आपने मोल्स डाले दो सॉल्यूशन में जाके वो रहने लगे इकट्ठे, का मतलब हुआ मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास जब वो मेरे हाथ में था तो एम था, जब वही सॉल्यूशन में गया वो 2 मोल इकट्ठे होके 1 बनाया, 2 ने 1 बनाया, मोल्स घटे, पर मोलर मास एम से 2m हो गया, मतलब मोलर मास बढ़ा। इसलिए सामने फॉर्मूले में आप चेंज देख रहे हो कि जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है वहां मोलर मास नॉर्मल है, और जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल है वहां मोलर मास ऑब्जर्व्ड है। अब बारी आती है कि फिर इस आई का क्या सोल्यूशन है,
इस आई की प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें का मतलब हुआ, क्या वो हमने एक मोल डाला और सल्यूशन में जाके दो हो गए या तीन हो गए या चार हो गए का मतलब हुआ, जो हमारी नॉलेज में नहीं था, हमने तो एक मोल NaCl डाला, पता लगा कि सल्यूशन में जाके तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। जब वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो मोल तो दो हो गए, पर नॉर्मली तो आपने क्या डाला था, एक। ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा, दो। तो आप बताओ आई कितना हो गया, दो। पर ये एजम्पशन है, एजम्पशन है का मतलब हुआ NaCl कभी 100% डिसोसिएट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। डिसोसिएशन डिपेंड करती है, तो मैं पहली बात ले रहा हूं कि डिसोसिएशन में क्या होगा, आई बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा क्योंकि मोल्स बड़े हैं, और मोल्स बड़े हैं का मतलब हुआ, अगर हम NaCl की ही बात लेते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि NaCl के साथ कुछ ऐसा हुआ, लेट अस से NaCl 80% डिसोसिएट हो गया। NaCl 80% डिसोसिएट हुआ तो हम अगर इसको प्लस वन के इक्विलिब्रियम्स के एस्पेक्ट से देखें तो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि किसी के कुछ मोल थे X और वो X कन्वर्ट हो गया आगे Y प्लस Z में कन्वर्ट हो गया। अगर उस X के मोल्स आपने एक लिए थे तो टाइम जीरो पे Y और Z कुछ भी नहीं था, ये हमने प्लस वन में इक्विलिब्रियम में पढ़ा। अब कुछ टाइम T बचा तो T के बाद वन वन नहीं रहा, क्योंकि कुछ वो Y में तो कुछ Z में कन्वर्ट हो गया था जिनकी स्टोकियोमेट्री सेम है। का मतलब हुआ अगर वो 80% यहां था 80 यहां था तो पीछे 20 रह गया। 80% ये है, 80 ये है, तो पीछे कितना रह गया, 20। आई का तीसरा फॉर्मूला, पहला क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल। दूसरा है मोलर मास नॉर्मल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। तीसरा है नंबर ऑफ टोटल मोल्स फॉर्म्ड आफ्टर टाइम टी डिवाइडेड बाय कितने मोल लिए थे, कितने मोल आफ्टर टाइम टी टोटल मोल्स कितने हैं। सो यहां से हमने लिखा आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स टेकन। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर 1 - α + α + α डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इसका मतलब हुआ यहां से हमें पता लगा कि ये प्लस अल्फा ये माइनस अल्फा, इट मींस आई शुड से आई इज 1 + α। सुन लिया, ये अल्फा कौन है, दिस इज कितना डिसोसिएट हुआ, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक NaCl डिफरेंट कंसंट्रेशन पर उसके आयंस की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिफरेंट होगी। अगर इस बेंच पर दो लोग बैठे हैं तो वो कम गप्पे मारेंगे, अगर चार बैठे होंगे तो ज्यादा गप्पे मारेंगे। जब ज्यादा गप्पे होंगी तो ज्यादा इंट्रैक्शन होंगी, ज्यादा इंट्रैक्शन होनी तो अलग अलग होना मुश्किल हो जाएगा। का मतलब हुआ अगर आई का 0.1 मोलल सल्यूशन है और 0.01 मोलल सल्यूशन है, 0.01 में उसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस 10 गुना बढ़ गई तो इंट्रैक्शन 10 गुना घट गई तो डिसोसिएशन बढ़ गई। का मतलब हुआ अच्छा घट गई, अगर डाइल्यूशन बढ़ी तो डिसोसिएशन बढ़ गई,
डिसोसिएशन बढ़ गई तो फिर आई भी बढ़ना चाहिए, यस और नो? अगर आप अपनी एनसीईआरटी का टेबल आप देखें तो उस टेबल में आपको पता लगेगा कि 0.1 मोलल एनएसीएल का आई अलग है, 0.01 का आई अलग है और 0.001 का आई अलग है। अब एनएसीएल तो वही है, एक ही कंसंट्रेशन एक कंटेनर में 0.1 मोलल है, 0.1 मोल पर केजी, दूसरे में 0.01 है, मतलब 10 गुना डाइल्यूशन हो गई। तो इंट्राइनिक डिस्टेंस 10 गुना बढ़ गई, तो 10 गुना इंट्राइनिक डिस्टेंस बढ़ गई तो डिसोसिएशन बढ़ गई, पर प्रोपोर्शनेटली नहीं। सुना या नहीं? प्लस वन में हमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, और वो था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इस टाइम हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यहां से आगे डिसोसिएट कितना होना है वो जरूरी नहीं है कि वो 100% एक ही झटके में हो जाए, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जितनी कम होगी इंट्रैक्शन उतनी कम होगी और डिसोसिएशन उतनी ज्यादा होगी, बट 100% इज हाईएस्ट। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ NaCl एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम 2 आयन दे सकता है, 2 आयन दे सकता है, और मिनिमम ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 इज द रेंज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 से ऊपर कितना हुआ दैट विल बी डिसाइडेड बाय कंसंट्रेशन। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ यहां हमने देख लिया कि आई इज इक्वल टू 1+D, यस और नो? तो यहां से 1+D नहीं, 1+α D, यहां से हमें पता लग रहा है कि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, पर कितनी? जितनी डिसोसिएशन होगी, डिपेंड करेगा कि डिसोसिएशन कितनी है, और डिसोसिएशन कितनी होगी जितनी इंट्रैक्शन कम होगी, और इंट्रैक्शन कम कितनी होगी जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। इसका मतलब सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिफरेंट आ सकती है। समझ में आ गई बात है? नहीं? इसका मतलब आई एट द मैक्सिमम 2 आयन दे सकता है तब अगर 100% डिसोसिएट हो जाए। तो अगर हम ये कहें कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने आयन मैक्सिमम दे सकता है इज कॉल्ड स्मॉल एन, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड। आप एन की बात किसी भी सॉल्यूशन के लिए कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पर आप आई की बात नहीं कर सकते क्योंकि आई एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और एन एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। इसका मतलब NaCl का एन 2 है, बेरियम क्लोराइड का एन 3 है, एल्यूमिनियम सल्फेट का एन 5 है, पर आई क्या है पता नहीं। जो कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दूसरे के इलेक्ट्रोलाइट की रेंज में नहीं फॉल कर सकता। MgCl2 का जितना मर्जी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो आई विल बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 तक किसकी रेंज है? NaCl की है। एल्यूमिनियम सल्फेट का जितना मर्जी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो उसका एन 5 है, उसका मिनिमम आई ग्रेटर देन 4 होगा। समझ में आ गया? और ग्रेटर देन 4 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? वो एन और आई का डिफरेंस है, और वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मेरे पास NaCl है तो मैं कुछ ऐसा चलूंगा, अगर मेरे पास कोई और है, हमारे पास दिया हुआ है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें
हम बात करें इधर की, जो मैं बोल रहा था, देखो सामने, आपकी आंखें खुलेंगी, शायद हो सकता आज तक ना खुली हों। वही NaCl 0.1 में 1.87 है क्या आई? N नहीं, N तो थियोरेटिकल है, बोल दो जितने आयन बना सकता है वो N है। सो आई कैन नॉट बी ग्रेटर देन N का मतलब हुआ N और I में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा है, क्योंकि N तो फिक्स है, घट कौन रहा है कंसंट्रेशन से? I। आपको बोला N इज ऑलमोस्ट एज इज I, व्हाट यू विल से अबाउट सॉल्यूशन? हम बोलेंगे भाई दिस इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो कहने लगा कि N बहुत ज्यादा था पर I कम आया, मैंने तुमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली होगी भाई। इसका मतलब जब यहां से यहां गए कंसंट्रेशन घटी, देखो I, पर ये I किस वजह से बढ़ रहा है? डिसोसिएशन बढ़ने से बढ़ रहा है। पर मैंने कहा प्रोपोर्शनेटली नहीं है। प्रोपोर्शनेटली का मतलब यहां से यहां गया 10 गुना डाइल्यूशन हुई, पर आई थोड़ी ना 10 गुना बढ़ गया। यहां से आप यहां पहुंच गए, 100 गुना डाइल्यूशन कर दी, पर आई तो 0.87 से 0.97 ही पहुंचा। इसका मतलब हुआ यहां रुक गया। रुक गया का मतलब हुआ कि आप जोर लगा लो, एज्यूम ही करना पड़ेगा कि अगर वो 100% डिसोसिएटेड है तभी आई और एन सेम है। आप यहां ध्यान दें तो आपके पास K2SO4 है। K2SO4 क्या है? टर्नरी। टर्नरी मतलब जो तीन आयन देता हो। अब आप ऐसा ना समझे कि सर K2SO4 का हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था, मिनिमम आई तो 1 के आसपास रहा होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। क्यों? वो तो उसकी रेंज ही नहीं है, वो तो NaCl की रेंज में चला गया। तो आप यहां ध्यान दें कि K2SO4 का आई कितना है? 2+ है ना, क्योंकि 2 तक रेंज बाइनरी की है। अगर आप यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये रहा, कहा गया कि 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है। 1:1 मतलब दोनों का चार्ज एक एक, तो कौन है वो? NaCl। NaCl है तो N कितना हुआ, तो I कितना हुआ? तो वो कहता है I विल रेंज बिटवीन 1 to 2। विल डिपेंड अपॉन एंड कंसंट्रेशन विल अफेक्ट डिसोसिएशन एंड हेंस I विल बी अफेक्टेड। आपने कहा कि 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कोई टर्नरी है। 1+2 मतलब एक की बैलेंसी एक है और एक की दो है, मतलब कोई मैग्नीशियम क्लोराइड। N कितना हुआ? कहता ये उसकी हाईएस्ट रेंज है, बट जो बीच में है दैट इज रेंज ऑफ I, N की रेंज नहीं है वो, क्योंकि I मैक्सिमम 3 हो सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है। द सेम इज हियर, वी डिड एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में 2:3 रेशियो है। 2:3 रेशियो मतलब दिस इज 5 आयन देगा, ये 5 आयन देगा तो N मैक्सिमम 5 हुआ, पर I की रेंज 4 और 5 के बीच में हुई। समझ में आ गया? इसलिए थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ N कैन इंडिकेट अस कि कौन बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है, बट एक्चुअल वैल्यू विल डिपेंड अपॉन आई। समझ में आई बात? इसलिए अगर न्यूमेरिकल में वो थ्योरेटिकली ऐसा बोल देता है दैट इट इज 100% डिसोसिएटेड, बोल रहा है आई के पीछे मत पड़ो, एन को ही आई ले लो, जब आप किसी का कंपैरिजन करोगे NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो आप उनको देख के ही डिस्टिंग्विश कर दोगे भाई इसमें इसका आई सबसे ज्यादा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन। आई की बात कर रहा हूं।
आपको पता है कि MgCl2 की रेंज 2 से ज़्यादा है और NaCl 2 तक है। आपको पता है एल्यूमिनियम सल्फेट की रेंज 4 से शुरू होती है। तो आप किसी के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ी, इंट्रैक्शन बढ़ी, तो डिसोसिएशन घटी। तो डिसोसिएशन घटी तो फिर आई घटा, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आई किसी सॉल्ट का कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन इंट्रैक्शन को अफेक्ट करती है और इंट्रैक्शन डिसोसिएशन को अफेक्ट करती है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लें और उनके लिए फॉर्मूले निकालें, तो हम कैसे निकालने वाले हैं इस सामने ध्यान दें। हमें दिया गया कि जी पोटाशियम फेरी साइनाइड है। फेरी मुझे कहाँ से पता लगा, क्योंकि मैंने आपको रिडॉक्स पढ़ाया है और यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 3 इज अ फेरी एंड 2 इज अ फेरो फेरस। इसका मतलब हुआ अगर इसका वो कहता है कि एक मोल लिया गया, का मतलब हुआ कि भाई ये तो जीरो था, ये भी जीरो था। कब ऐसा हुआ, जब टाइम जीरो था और डिसोसिएट करना शुरू नहीं किया था। मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ चुका हूं और मैं बता दूं, बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूं, पर पहले डेरिवेशन होगी तब शॉर्टकट पे आएंगे। इसका मतलब हुआ कुछ टाइम टी हुआ, क्या कुछ टाइम टी के बाद वो वन खत्म हो चुका था। कब वन जीरो हो जाएगा, जब डिसोसिएशन 100% हो जाएगी और आईएन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आपको इसका आई कितना लग रहा है, अभी आई कितना लग रहा है, आई कितना लग रहा है इस सॉल्ट के लिए। जिसने कहा कि 4 लग रहा है, उसको मेरे भाषण का कोई पता नहीं लगा है। 4N है, आई नहीं है। समझ में आ रही बात? इतना समझाया कि आई की वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, पर कहाँ है 3 और 4 या 4 या 5? क्योंकि आयन 4 बना रहा है। ये जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये नहीं टूटता। सुन लिया? इसका मतलब हुआ 3K और ये स्फीयर 4 हो गया, 4N हुआ। आई विल बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 तक तो किसी टर्नरी की रेंज है। अब हम बात करेंगे कि आई कितना है। क्या बात कर दी, क्या पता लग गया हमें, एन का पता लग गया। एन का पता तो हमें देखने से लग जाता है कि एन कितना होना चाहिए। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम टी के बाद ये वन वन नहीं रहा, वन माइनस अल्फा हो गया, तो ये कितना हो गया जी 3 अल्फा, तो ये कितना हो गया अल्फा। बताओ यहां से आई कितना आया, व्हाट इज आई, आई इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एम आई राइट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए भाई, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जितने मोल लिए थे, कितना लिए थे, 1 लिया था ना। इसका मतलब हुआ यहां से हम पहुंच गए इधर, हमारे पास आ गया आई इज 1 प्लस 3 अल्फा 3 अल्फा। सुन लिया? इसका मतलब हुआ आई विल बी 1 प्लस 3 अल्फा डी। अल्फा कौन है, ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन। समझ में आ गई बात? अब सोचो इसी तरह का कोई भी सॉल्ट लिया होता, मैं एक जनरल फॉर्मूले की तरफ आ रहा हूं, बार बार ये पूरी डेरिवेशन हम करने वाले नहीं हैं। का मतलब हुआ हमारे पास ए था
और उसने आगे डिसोसिएट करके ना जाने ए जैसे कितने बना दिए। अरे अगर एनएसीएल था तो एनएसीएल ही बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना बनाएगा। ए ने एन ए नंबर बनाए मतलब डिसोसिएट होके ना जाने कितने ए बना दिए, जैसे आप यहां लिख रहे हो। इसने पोटाशियम भी बनाना था और फेरी साइनाइड भी बनाना था, बनाया। का मतलब हुआ अगर आपने इसके वन मोल लिए होंगे तो कुछ टाइम टी के बाद वन माइनस अल्फा होंगे, और इसके कितने हो गए होंगे। मैं एन क्यों कह रहा हूं कि मैं सबके लिए की फॉर्मूला निकाल रहा हूं। कितने आयन दिए थे इसने, क्या वैल्यू थी एन की, ये एन क्या है, कितने आयन देने चाहिए उसको। समझ नहीं बात, इसलिए मुझे नहीं पता भाई ये कौन कौन दिए उसने। मुझे यहीं से पता लग गया कि उसने ना एन चार दिया होगा, आयन चार दिए होंगे। यह है वो। सो आगे फॉर्मूले में डिसोसिएशन में एन का मतलब होगा, और एन तो हम किसी का देख के पता लगा सकते हैं पर आई तो नहीं लगा सकते पता। इसका मतलब हुआ यहां से हमारे पास आई आ गया इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा कौन, डी डिसोसिएशन, यस और नो। अब आप ध्यान से सुने तो बताएं कि अगर डिसोसिएशन हुई होगी तो एक मोल ने ज्यादा मोल बना दिए होंगे ऑब्जर्वेशन पे कि कम बना दिए होंगे, एक से ज्यादा बना दिए होंगे अगर वो बाइनरी था। सुन लिया, बाइनरी था, देने तो दो चाहिए थे पर दो थोड़ी मान रहे हैं हम, तो एजम्पशन ये थोड़ी मान रहे कि 100% है। इसका मतलब आई शुड से वाइल डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। अबे आप बोल रहे हो कि मोल्स बड़े हैं, सर चाहे थोड़े ही बड़े होंगे पर बड़े जरूर हैं, क्योंकि आपने तो एक मोल डाला सल्यूशन में जाके वो डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट का मतलब हुआ उसने और बना दिए, तो एक तो बनाया, एक से ज्यादा ही बनाए ना, और जो बनाए दैट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कितनी हो गई, ग्रेटर देन वन, और आपने कितने डब मोल डाले थे। सो ग्रेटर देन वन डिवाइड बाय वन विल बी ग्रेटर देन वन और नॉट, इट मीन्स व्हेन देयर विल बी डिसोसिएशन आई विल बी ग्रेटर देन वन। तो मैं जब ग्रेटर देन वन का मुझे पता लग गया तो मैंने ऐसा कर दिया, आई माइनस वन इज एन अल्फा डी माइनस अल्फा डी। बोलो जी, मैं साइड ले आया वन को क्योंकि आई इज ग्रेटर देन वन। इसका मतलब हुआ यहां से मैं कर सकता हूं अल्फा डी इज आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। कोई कंफ्यूजन है तो अभी बोल देना है। अल्फा डी कॉमन ले लिया, अल्फा डी कॉमन लेके क्या आया, एन माइनस वन आया, एन माइनस वन इंटू अल्फा डी आया। इसका मतलब हुआ कि आपने यहां से जो फॉर्मूला निकाला, अब मैं इस फॉर्मूले को किसी भी सॉल्ट के लिए बिना सोचे समझे लगा सकता हूं। आओ जी इधर बताओ कि आपका अल्फा डी कितना आया, बताओ। आई माइनस वन डिवाइड बाय थ्री आया, नहीं आया, आ जाओ इधर आ जाओ। एन कितना है, फोर माइनस वन। क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, क्या बार बार ऐसा करने की जरूरत है। आपको एन थ्योरेटिकल है, पता होता है कितना होता है। इसका मतलब हुआ दिस विल बी द फॉर्मूला विच विल गिव अस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लग गया पता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता लग गया। मुझे बार बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे एनएसीएल का केस कर रहे हो, चाहे आप मैग्नीशियम क्लोराइड का कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बन गया। अब
आपको ये इक्वेशन दी थी, बोले सर मैं ये सब कुछ कुछ नहीं करना चाहता, मुझे पता है आई तो पता नहीं एन फोर है, फोर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इट मीन्स आई माइनस वन अपॉन थ्री। और ये आपने, इसलिए मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था कि आपके दिमाग में पहले से ही ना आ जाए। अब आप यहाँ से देख रहे हो तो वो भाई वही आ रहा है। अब आपको उसने डिसोसिएशन दे दी, ठीक है, या आपको उसने आई दे दिया, तो आप निकाल नहीं सकते कि 0.1 पे NaCl कितना डिसोसिएट था, कितना आई है, आई माइनस वन आ गया 87%। आप उस फॉर्मूले में अप्लाई करो, NaCl की बात हो रही है, NaCl इज N इज 2, सो 2 माइनस 1 इज 1, डिनोमिनेटर आ गया 1.87 माइनस 1.87, इसका मतलब 87% डिसोसिएशन हुई। इसका मतलब हुआ, अब मुझे पता लग गया कि ये 87% है, ये 94% है, 97% है। इस तरह से 2.32 माइनस 1 कितना आया, 1.32 डिवाइडेड बाय 2, 66% आ। अगर आई दिया तो हमने अल्फा निकाल दिया, उसने कहा नहीं जी अल्फा दे रहे हैं हम, तो मैं कहा आई हम निकाल देंगे भाई। दो चीजें ऐसी हैं जो इंटरडिपेंडेंट है, अल्फा एंड आई, एक तो देनी पड़ेगी भाई, दोनों की दोनों चीजें कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक चीज है तब दूसरी निकाल सकते हो। अल्फा दिया है, अल्फा नहीं दिया था, आई दिया था, हमने अल्फा निकाल दिया। अब अगर वो बोलता है कि नहीं जी अल्फा ये है, तुम आई निकालो, तो हम निकाल लेंगे। ये बात हुई किसकी, जब डिसोसिएशन हो रही थी, जरा अप्लाई करके देखो वो फॉर्मूला, यहां भी आई माइनस वन, क्योंकि नीचे क्या आ गया, क्योंकि बाइनरी है 2 माइनस 1, तुम जिस मर्जी केस में अप्लाई कर लो। समझ में आ गई बात, ये था कौन, डिसोसिएशन मतलब जब मोल्स बड़े होंगे। तो आओ फिर और क्या हुआ होगा, जरा सामने ध्यान दें, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है पर जरा ध्यान से देखें। जब NaCl मेरे हाथ में था तो वो 58.5 ग्राम था, क्योंकि मैं क्या मोल ले रहा हूं, 1 मोल, सो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। अब जैसे मैंने उसको सॉल्यूशन में डाला, वो एन ए पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, सुन लिया, एंड यू नो वहां सीएल नेगेटिव भी होंगे, एन ए पॉजिटिव भी होंगे, पर दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे बराबर। इसका मतलब हुआ अगर आप सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट लेते हो तो आपके पास एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव का फॉर्मूला मास इकट्ठा करना होगा, पर वो 58.5 सॉल्यूशन में जाकर आपको अगर NaCl मिला तो प्रोबेबिलिटी पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल की है। इसका मतलब अगर डिसोसिएशन की बात आई तो 29:29 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में वो सॉलिड नहीं है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। का मतलब हुआ अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हुई है तो मोलर मास आधा हुआ है। इसका मतलब हुआ यहां पर जो फॉर्मूला आप आई का लोगे वो दो टर्म में लोगे, एक टर्म में हो सकता उसने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हो,
आपको मैं न्यूमेरिकल की बात कह दूं तो वो पूरा डाटा देगा और बोलेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, और लास्ट में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की एक वैल्यू भी दे देगा। अब तुम कंफ्यूज हो यार, पूछ भी रहा है दे भी रहा है, दे रहा है कहता मेरे हिसाब से ये है, डाटा दे रहा है कि तुम निकालो। दोनों वैल्यूज का रेशियो लो, अगर दोनों वैल्यूज का रेशियो 1 आता है मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्रेटर देन 1 आता है मतलब वहां डिसोसिएशन हुई, लेस देन 1 आया मतलब वहां। इसलिए हमने इस फॉर्मूले को जितने मर्जी फॉर्मूलों में आप मॉडिफाई कर दो, पर उस मॉडिफिकेशन के लिए आपको उस आई की जगह पुट करना है सीओ बाय सी एन। क्या पुट करना है? सीओ बाय सी एन। और मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फा डी विल बी इक्वल टू सी ओ माइनस सी एन, मुझे एलसीएम निकालना आता है, और डिवाइडेड बाय सी एन। नहीं आपको नहीं आता होगा, सी एन इंटू एन माइनस वन। समझना, सेम फॉर्मूला मोलर मास की टर्म में लिख सकते हो आप। ये तो हुआ कब, जब उसने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी और दूसरी आपने निकाली, एक दी और निकाली, अगर दोनों सेम थी सीओ सी एन जीरो हो गया, आई वन हो गया। समझ में आ गई बात? अगर आपने, उसने क्या दिया, एक मोलर मास की वैल्यू दे दी, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, और आपने ऑब्जर्वेशन मींस कैलकुलेशन से निकाली, कैलकुलेशन से निकाली तो पता लगा यार दो एसिटिक एसिड एक बन के रह रहे थे, तो मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल। जब आपने 10 मोल एसिटिक एसिड डाले होंगे तो मोलर मास 60 था, डाले तो आपने 10 मोल थे, मोलर मास मतलब एक मोल का मास। अब वो 10 सॉल्यूशन में जाकर 5 में रह रहे हैं, सुना? सो मोलर मास कितना होगा? 120। इसका मतलब हुआ मोलर मास बढ़ गया। तो जहां मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं, पहले उस फॉर्मूले को पक्का कर लें। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया, अब आप निकालें कि यही फॉर्मूला मोलर मास की टर्म में क्या होगा। यही फॉर्मूला जब हमने मोलर मास की टर्म में देखा तो मोलर मास की टर्म में फॉर्मूला आ चुका था दैट इट शुड बी यस। समझ में आ गया या नहीं? सो अल्फा डी will be equal to, this will be, I will be mn by mo, so it will be mn minus mo divided by mo into n minus 1 is, अगर वो मोलर मास की बात करता है, yes or no? अगर वो मोलर मास की बात करता है तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। इसलिए दो एग्जाम्पल करवा के मैंने आपको डिसोसिएशन के सारा कुछ करा दिया, क्योंकि अब हमें पता लग रहा है इसको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि n मुझे पता है 4 है, n माइनस 1 में 3 ले लूँगा, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी। समझ में आ गई बात? ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन में भी सेम फंडा है, सिर्फ क्या हुआ, मोल्स घट गए, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ हो गया कि जब हमने एसोसिएशन की बात की तो 2 मोल डाले तो 1 बन गया, 10 डाले तो 5 बन गया। एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मोल बढ़े तो आई बड़ा, मोल घटे तो आई घट गया। इसका मतलब हुआ आई एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मोल घटे तो मोलर मास बढ़ गया। का मतलब हुआ अगर ये मैं
एक ही रेफरेंस लिया, उसी से ही चल रहा हूं। अगर मेरे पास ये ए है ना, मतलब मैंने दो मोल लिए, तो लेने के बाद वो मोल एक हो गए। अगर उसने एसोसिएशन तो टॉपिक का ही नाम है, अगर उसने डाइमर बनाया, दो साथ में मर रहे हैं, डाइमर हो सकता है कोई ट्राइमर बनाए, हो सकता है कोई टेट्रामर बनाए, ये जो मैं कह रहा हूं क्या क्या डाइमर टेट्रामर, दिस इज एन फॉर एसोसिएशन। एन फॉर डिसोसिएशन क्या था कि थ्योरेटिकली वो कितने आयंस बना सकता है, थ्योरेटिकली वो कितने आयंस बना सकता है, वो क्या था, का मतलब हुआ कि किसी एसोसिएशन के लिए एन का मतलब कितने इकट्ठे होकर एसोसिएट हो रहे हैं। क्या दो हो रहे हैं तो एन इज टू, क्या तीन हो रहे हैं, अब आपको पैसे पता लगेगा कि एसोसिएट हो रहे हैं कि डिसोसिएट, आपको पता लग गया आई इज लेस देन वन, इसका मतलब बाद में मोल कम बन रहे हैं, पहले ज्यादा थे, इसका मतलब वहां एसोसिएशन हुई। अब एसोसिएशन कितनी हुई, क्या डाइमर बनाया, वो उसको देना होगा न्यूमेरिकल में, या आपसे पूछेगा फाइंड आउट वेदर इट इज डाइमर और ट्राइमर, तो हम क्या बोलेंगे उससे, ये बता दे डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है, तो ये बता दे कि अल्फा कितना, हम निकाल देते हैं। इसका मतलब हुआ ए ने आगे जाके एन नंबर ऑफ ए नहीं बनाए, बल्कि जितने मोल पहले थे उससे घट गए, नहीं घटे, इसका मतलब साफ हो गया अगर टी जीरो था तो ये वन था। मैं जिससे डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूले कराए, एसोसिएशन के लिए एक करा रहा हूं, उसके बाद आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ये वन है तो ये कुछ भी नहीं एसोसिएट हुआ था, फिर हमें पता लगा यार इसमें से ना कुछ एसोसिएट हो गया, मतलब अगर दो थे एसोसिएट करके दो से कम हो गए, कितने कम हो गए वो तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताएगी, पर हम ये कहेंगे कि देखो भाई घट गए यार वो तो, सुन लिया। अब हम आई निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितना लिया था, वन लिया था, तो वन लिया था तो वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, यस और नो, ठीक हो गया। इसका मतलब हुआ आई माइनस वन इज अल्फा एन, बोलो जी, माइनस अल्फा प्लीज इज इक्वल टू, बताओ कितना आया, अल्फा कौन है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये अल्फा कौन है, दिस विल कम्स आउट टू बी अल्फा ए इनटू वन अपॉन एन माइनस वन, यही आया, अजी बोलो भी, इसका मतलब अल्फा एसोसिएशन आ गया I माइनस वन अपॉन वन बाय एन माइनस वन, यस आर नो, अब सुनो लॉजिक लगाओ, I माइनस वन विल बी प्लस और माइनस, नेगेटिव, वन बाय एन, व्हाट इज एन मिनिमम वैल्यू, एन मतलब डाई मर,
ट्राइमर, मिनिमम कितना है? टू है, तो वन बाय टू विल बी लेस देन वन और नॉट? तो जब ये लेस देन वन होगा तो ये भी माइनस आया, हो गया दोनों प्लस। या फिर ये भी मत करो, लॉजिक लगाओ, सिर्फ लॉजिक लगाओ कि देखो भाई जब जो है एसोसिएशन होनी है ना, जो आई है ना दैट इज लेस देन वन, है कि नहीं? एसोसिएशन होनी है ना, जितने मोल मैंने डाले थे ना उससे कम बनेंगे। अगर मैंने एक डाला था तो वन बाय एन बनेगा, मतलब अगर मैंने दो डाले थे डाइमर बनाया तो एक बना, ट्राइमर बनाया तीन डाले थे तो एक बना। इस एन की वैल्यू क्या हो सकती है? दिस आई शुड राइट ओवर हियर, दिस एन इज मिनिमम टू थ्री फोर, जो भी अब टू थ्री फोर कुछ भी हो, वन माइनस वन बाय एन विल बी लेस देन वन। अब यहां से आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला निकाल लो। अगर यहां से आपने डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला निकाला, वहां से निकाला चाहे यहां से निकाल लो, एक ही बात है। यहां क्या आ जाएगा? एलसीएम एन आ गया, बताओ कितना आया? आई माइनस वन इंटू एन, एन क्या है? इधर की बात हो रही, इधर की बात, आई माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन। क्लियर हो गया? का मतलब हुआ आई की वैल्यू पुट करो ना, आई की वैल्यू पुट करो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा वॉज इक्वल टू यस आई माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन। मुझे कहना चाहिए दैट दिस इज सी ओ माइनस सी एन इंटू एन, यस नो, डिवाइडेड बाय सी एन इंटू वन माइनस एन। इसका मतलब हुआ अल्फा एसोसिएशन या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी होगी या क्या दिया होगा, मोलर मास। शुड आई से एम एन माइनस एम ओ डिवाइडेड बाय एम ओ इंटू वन माइनस एन, यस आर नो? ठीक हो गया। अब सुनो, इंटू एन इंटू एन, अब सुनो, कहता मोलर मास नॉर्मल एसिटिक एसिड का कितना था? 60 मोलर मास, 60 था। माइनस ऑब्जर्व 120, सुन लिया, इंटू एन। एन क्या है? डाइमर बनाया या ट्राइमर बनाया? तो डाइमर बनाया तो आपको सारा डाटा पता होना चाहिए। अगर ये बताना है कि भाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास है तो वो ये बताए कि उसने डाइमर बनाया या ट्राइमर बनाया। दो दो अननोन वैल्यूज तो नहीं निकल पाएंगी, समझ में आ गई बात। अब आप जितने भी क्वेश्चन सामने हैं इनको अपने कंटेक्स्ट नहीं बल्कि जिस कंटेक्स्ट में हमने ये टॉपिक किया है उस कंटेक्स्ट में करें। वो पूछ रहा है कि 100% आयनाइज्ड है, 100% आयनाइज्ड है तो इसका आई हो गया 4, इसका आई हो गया 2, इसका आई हो गया 3, इसका आई भी हो गया 3। उसने पूछा है 3 किसका, या तो हमारा आंसर ए है या बी है, पर ऊपर लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हमारा आंसर, जितना आप कर रहे हो उसको अप्लाई करो, पीटीसीएल 4 रिएक्ट विद केसीएल, केसीएल प्लस पीटीसीएल 4 Giving rise to K2PtCl6, zinc chloride with aqueous ammonia ZnCl2 plus ammonia पहले ये complex बनता है, बाद में ये भी टूट जाता है और
अगला पूछ रहा है फेरिक क्लोराइड विद के फोर एफिसियन सिक्स बीटेड एन प्लस वन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन फेरी फेरोसाइनाइड बनता था के एम एन ओ फोर रिड्यूस टू एम एन ओ टू हमने की इक्वेशन जिसमें के एम एन ओ फोर कन्वर्ट होता था एम एन ओ टू में और वो था बेसिक मीडियम स्ट्रांगली बेसिक नहीं बेसिक था। इसका मतलब हुआ यहाँ आप प्लस सेवन से प्लस फोर जा रहे हो कितने का गेन हो गया तीन का हो गया। अगर मीडियम बेसिक है आप उस साइड ओ एच नेगेटिव डाल दोगे कितने डाल दोगे तीन ओ एच नेगेटिव डालोगे तो यहाँ पे आप वाटर डाल दोगे का मतलब हुआ आप बैलेंस करोगे। ये जो फेरिक क्लोराइड एफ ई सी एल थ्री है विद के फोर एफ ई सी एन सिक्स ये बनाता था एफ ई सी एल थ्री प्लस के फोर एफ ई सी एन सिक्स से थ्री मीन्स फोर फोर मीन्स थ्री दिस वॉज फॉर्मिंग एफ ई फोर एफ ई सी एन सिक्स होल थराइस प्लस 12 KCl यस और नो। अब आप इस रिएक्शन को देखिए तो यहाँ पर देखिए एक तो स्टॉइकोमेट्री नहीं लेनी है क्योंकि वो हो गए मोल नेचर लेना है नेचर। ये कौन है कोवलेंट है वहाँ कॉम्प्लेक्स बना ये बताओ कि यहाँ आयन कितने हैं दो यहाँ कितने हैं तीन नहीं समझे। यहां ये कौन है कोवलेंट ये कौन है कोवलेंट ये कौन है इसका बताओ कितना आयनाइज किया ये कुछ नहीं किया आओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सिक्स कहाँ एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया उसने। एसोसिएशन का मतलब होता है अपने साथ अपना ही बॉन्ड बनाना कॉम्प्लेक्स बोलते इसको ओके। यहां ध्यान दो यहां आयंस नहीं है यहां है यहां फेरिक क्लोराइड कोवलेंट था यहां कितने पोटेशियम क्लोराइड बन गए कि नहीं बने। इसका मतलब इसमें दोनों साइड आई अलग अलग है इसमें अलग अलग है इसमें अलग अलग है इसमें कुछ नहीं है यहां भी कोवलेंट है वहां भी कोवलेंट है। इसका मतलब हुआ पूछा गया किसका आई अनचेंज्ड है वो बोलता है कि कॉम्प्लेक्स की आयनाइजेशन हो रही है इवर सेलिब्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज हम क्या करेंगे फॉर्मूला कर दिया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। यहां से क्या निकाल लोगे डेल्टा टी बी दिया हुआ है आई निकाल दोगे आई अल्फा कितना पुट करोगे अल्फा 100% पुट करोगे। आप इधर देखो आपने लिखा अल्फा डी इज आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इधर आओ इधर ध्यान दो अगर ये 100% है मतलब ये वन है तो बताओ कितना आया आई आई इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू एन आ गया। अगर वो क्लियर हो गया पूछा गया हाँ पूछा गया इफ कॉस्ट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन तब क्या होगा। आप जरा ध्यान से देखना सामने आप कुछ कह रहे थे कि जी डिप्रेशन कुछ हमें ढंग से समझ नहीं आई तो अब ढंग से समझ आनी चाहिए इसके आगे नहीं तो समझ नहीं आएगी। और अगर आप देखें तो बर्फ पड़ी हुई है और सॉल्ट डाला जा रहा है उससे क्या हुआ अभी आपको पता लगेगा कि उससे क्या हुआ। इतनी मूवमेंट हमें पता है कि जहाँ जहाँ वो सॉल्ट डाल रहा है वहाँ वहाँ रोड क्लियर हो रहा है। अब क्लियर हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि हमने उसके ऊपर सॉल्ट डाला मतलब सॉल्यूशन बना दिया। बाहर मान लेते हैं कि बर्फ
माइनस चार डिग्री पे है, अंदर वो कहेगा कि यहाँ वो चीज़ फ्रीज करेगी जिसका टेम्परेचर माइनस छः होगा। क्या किया हमने? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर दिया। जहाँ पर NaCl है, NaCl का I कितना है? 2। NaCl का I कितना है? 2। इसका मतलब NaCl से ज़्यादा इफेक्टिव तो I3 वाला हुआ। ज़्यादा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होगी? जिसका आई ज्यादा होगा। अगर बाकी चीजें सेम रही तो का मतलब हुआ कि जहां पर टेम्परेचर लिमिटेड रहता है, मींस माइनस डिग्री में कम होता है, वहां एनएसीएल कारगर है। पर जहां टेम्परेचर माइनस 20 तक चला जाता है, वहां क्या होता है? आप देखे सामने, आप एनएसीएल डाला, एनएसीएल डाला तो इधर देखिए, एनएसीएल ने जितने भी आइस का वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना था, NaCl के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव ने किसको लालच दिया? ऑक्सीजन नेगेटिव को। और Cl नेगेटिव किसके पीछे पड़ गया? H पॉजिटिव के पीछे, और उनका जो केज लाइक स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब्ड कर दिया, और अब बर्फ पिघल गई, वो केज लाइक डिस्टर्ब्ड कर दिया। तो अब आप यहाँ ध्यान दें कि जो टेम्परेचर है वो कहाँ जा रहा है, देखते रहो, जा रहा है अभी तो। इसका मतलब बाहर बर्फ जिस टेम्परेचर पे पड़ी थी, जहां पे सॉल्ट डाला है, वहां डिप्रेशन इतनी हो गई। बोला भाई इतना नीचे टेम्परेचर लाओ, बर्फ तब जमेगी। रोड क्लियर हो गया, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग है और उसके अंदर का टेम्परेचर अलग है। आप NaCl तक कहां तक पहुंच गए? -11.28। भाई अगर बाहर बर्फ -12 पे पड़ी है ना, रोड क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है? -11, उससे नीचे पे तो बर्फ पड़ी हुई है। अब आपने क्या बोला? नहीं जी, यहां ना NaCl काम नहीं करेगा जी। अब आपने क्या किया? मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया। मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड एक ही बात है, हमें मतलब है आई से। इसका मतलब हुआ कि जब उसके MgCl2 के Cl और Mg2 पॉजिटिव हो, देखो भागने लगे और उनको डिसरप्ट कर दिया, उनके केस को पहले से जल्दी तोड़ दिया। समझ में आ रही बात? और आप धीरे धीरे देखेंगे यहां डिप्रेशन तब शुरू होगी जब ये क्लियर है। देखो सरफेस जब तोड़ देंगे वो बॉन्ड, उससे बाद डिप्रेशन शुरू हो गई। डिप्रेशन शुरू हो गई, अंदर का टेम्परेचर घट रहा है, घट रहा है, पर ऐसा भी ना हो कि उस सॉल्ट की वो रेंज ही ना हो। का मतलब मैंने कहा -12 है तो आप NaCl नहीं यूज कर सकते। अब देख लो ये कहां पहुंचा दिया, -16.8। इधर देखो, अगर वो ये था कौन, सोडियम क्लोराइड, तो अभी वो ग्रीन वाले की इंडिकेशन दे रहा है कि वो उससे नीचे टेम्परेचर ले गया, -16.8। का मतलब हुआ जहां टेम्परेचर ज्यादा डाउन रहेगा वहां NaCl काम नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ जहां का टेम्परेचर -17 डिग्री होगा वहां ये भी काम नहीं करेगा। नेगेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस फॉर्मूले को लगाते हुए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना और क्यों देना, यहां देखें, P0 minus PS is equal to XB, मतलब पूरा खोलो फॉर्मूला, मतलब I into moles of B divided by moles of A plus moles of B, और ये I है इधर और ये फॉर्मूला है इधर, ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? अरे एक ही बात है, बस आपका आंसर कभी नहीं आएगा क्योंकि आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। क्या सॉल्वेंट का भी आई था? किसकी प्रॉपर्टी कर रहे हो आप? सल्यूट की एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ रहे हो ना, सॉल्वेंट की भी पढ़ रहे हो, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये फॉर्मूला ऐसे ही बताया जाता है, और मैं आपको कह रहा हूं कि यह फॉर्मूला बिल्कुल गलत है,
अगर आप भी इसका शिकार हुए हैं तो अब आप शिकार नहीं होंगे। यहाँ आई आएगा, यहाँ आई आएगा, क्योंकि डिसोसिएशन पूछ रहा है ना, तो आई की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपको, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।